सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब गाइस? आप देखिए, आपकी कंप्यूटर की थर्ड क्लास होगी। चाहे आपने CHSL का फॉर्म डाला हो, डेली पुलिस का फॉर्म डाला हो, या इसके अलावा जिसमें कंप्यूटर आता है, आपने कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म डाला हो, या सपोज़ आपने गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं डाला, आप यूजुअली भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज गाइज, इसमें हम सीखने वाले हैं शॉर्ट कीज़। शॉर्ट कीज़ गाइज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर आप देखिए, ये एक तो ये एग्ज़ाम में तो पूछी जाती हैं, किसी का भी गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है जिसमें कंप्यूटर होता है। दूसरा, अगर आप किसी सपोज़ प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी गाइज ये पूछ ली जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। ठीक है गाइज, क्योंकि ये जो है शॉर्ट तरीके से स्पीड से काम करने के लिए काम आता है। हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना होता, हम डायरेक्टली बस शॉर्ट कीज़ का यूज़ करते हैं, और वो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो गाइज, देखिए यूज़ कैसे करेंगे हम। देखिए, आप ये बटन देख रहे हैं एक सबसे नीचे कोने पर जो है कंट्रोल CTRL जहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला बटन जो है गाइज, तो इसे कंट्रोल बोलते हैं। तो ये कंट्रोल का बटन जो है गाइज, इसे हमें प्रेस करना होता है। देखिए, एक तो इधर है और एक इधर है गाइज, ये वाला। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी प्रेस कर सकते हैं। एक ये कंट्रोल हमें दबा कर रखना पड़ता है, और सपोज़ हमें जो है पूरा मैटर हमें सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा स्क्रीन पर कंप्यूटर पर हम लिख रहे हैं उसे पूरा सेलेक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंट्रोल दबाएंगे। कंट्रोल दबा दे, कंट्रोल दबाए रखेंगे, और फिर इसी के साथ साथ हम दबा देंगे ए, तो फिर जो है पूरा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी हमारी स्क्रीन पर हम काम कर रहे थे, हम टाइप कर रहे हों, रिज्यूम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। मैं जितना अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, हमें कंट्रोल दबा के रखना पड़ता है। कंट्रोल दबाने के बाद एस दबाए, एस से सेव हो जाता है, तो वो तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, वो लिखा हुआ भी होगा आपके सामने, वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस कंट्रोल दबा कर कोई भी हमें लेटर दबाना होता है, उसके बाद ही हम शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं वीडियो पर, अपना सीखते हैं डायरेक्टली कैसे कैसे होता है। सो गाइज, ये देखिए, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए। देखिए, कुछ भी करने से पहले है, सपोज़ हमें शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है, तो हमें मैटर सेलेक्ट करना होता है पहले। तो कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या है, ये संपूर्ण कंटेंट को, जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कंटेंट क्या है, सेलेक्ट कर देगा। ठीक है गाइज, हमें कोई जो है ये हमें माउस उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, वरना माउस से काम करना पड़ता है, पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद सेलेक्ट होता है, जो भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, ओनली कीबोर्ड से ये चीज़ें होंगी। आपको जो है सपोज़ कभी कभी माउस भी ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ में भी फ़ायदेमंद होता है अगर हमें ये कीज़ आती हैं। तो कंट्रोल प्लस ए हमने दबाया, तो जितना भी मैटर हमारे सामने लिखा हुआ है, सपोज़ देखिए हमारे सामने एक विंडो है, ये विंडो है, ये कंप्यूटर है, और हम ये लिख रहे हैं, ये कुछ हमने लिख दिया इधर यहाँ पर। ठीक है, जो भी लिख रहे हैं, ABCD whatever जो भी आप लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया। अगर हमें देखिए सेलेक्ट करना हो, तो हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, और ये पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चाहे इसे कट करना चाहे या दूसरे पेज पर हमें इसे पेस्ट करना चाहे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कंट्रोल प्लस बी। अब कंट्रोल प्लस बी, देखिए बी जैसे बी से होता है बोल्ड, तो बोल्ड का मतलब होता है, जैसे देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये हल्का हल्का लिखा हुआ है संपूर्ण कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए, या कुछ भी लिखा हुआ, ये सारी लाइनें जो लिखी हैं ये हल्की सी लिखी हुई हैं, और ये ऊपर जो है देखिए आपका डार्क सा है, ब्लैक में थोड़ा डार्क है ना ये, तो इसे बोलते हैं गाइस बोल्ड करना। यानी जो भी हम लिख रहे हैं उस मैटर को हम थोड़ा सा गाढ़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, मतलब मोटा सा हो जाता है थोड़ा सा ये। ठीक है, मतलब हल्का हल्का सा नहीं लिखा रहता। नेक्स्ट देखिए आगे, कंट्रोल प्लस सी। सो गाइस, कंट्रोल प्लस सी क्या है, सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो इससे गाइस क्या करेंगे हम, कॉपी। तो गाइस सी से भी आपको पता लग जाएगा, वैसे इजी इतना हार्ड नहीं है, तो सी से भी आपको पता लग जाएगा कि हमें कॉपी करना है, फिर उसके बाद हम चाहे इसे कट करें, कॉपी करने के बाद चाहे हम इसे पेस्ट करें कहीं पर जाकर, तो ये क्या है, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना। फिर क्या है, कंट्रोल प्लस ई, इसका मतलब ये क्या है गाइस, लाइन अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए। देखिए गाइस, इसका मतलब ये है कि सपोज़ ये एक विंडो है हमारी, और हमने ये लिख दिया यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी, ये ऐसा करके लिख दिया हमने। ठीक है, ये बिल्कुल इधर से चल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से हमने लिख रखा है ये। ठीक है, अब इस मैटर को सपोज़ देखें, यहाँ पर तो इतनी जगह बची हुई है, ये इतनी जगह बची हुई है, यहाँ पर थोड़ी कम बची हुई है इधर की साइड, जितना मैटर हमने लिखा, तो इसे बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए, इसे बिल्कुल देखिए गाइस सेंटर में लाने के लिए, जैसे देखिए आपकी जो है ये विंडो हो गई, ये विंडो है, और हमने थोड़ा सा ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, ऐसे करके लिख रखा है कुछ, या ऐसे करके लिख दिया। अब इसे जो है बिल्कुल हम सेंटर में लाने के लिए, इस लाइन को यहाँ पर नहीं कि बिल्कुल यहाँ सेंटर में लाएंगे,
मतलब यहाँ पर नहीं लानी है, बिल्कुल सेंटर में लाएंगे, और इसे भी यहाँ पर नहीं, पूरा सेंटर में, मतलब हर एक चीज़ को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करेंगे कि पूरी की पूरी लाइन हमारी बिल्कुल विंडो के सेंटर में आ जाएगी। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स खोलने के लिए। तो गाइस देखिए फाइंड बॉक्स क्या होता है, इसमें हमें कोई भी वर्ड सपोज हमें ढूंढना हो, जैसे हमने देखिए मैटर लिखा काफ़ी सारा, सपोज शायद आपने थ्री इडियट देखी होगी, जो रणछोड़दास चांचर जो स्पीच जो चेंज कर देता है, जो उसमें एक लड़का होता है जो अंग्रेज वो जो होता है जिसे चतुर चतुर कह के बोलते रहते हैं, उस लड़के की जो स्पीच चेंज करता है ना, तो वो इस तरीके से ही देखे इसमें क्या है, ये खोलने के लिए फाइंड चेक करने के लिए, मतलब जैसे हमारी कोई विंडो है और इसमें देखे जैसे एंड है, यहाँ पर यहाँ एंड लिखा है, फिर यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, या फिर एंड लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। तो देखिए अगर देखिए ये दबाते हैं ना कंट्रोल प्लस एस, तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है निकल कर, और उसमें हम सपोज हमें एंड ढूंढना है कि एंड कितनी जगह लिखा हुआ है इस पर, अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो वो वहाँ पर ही हमें दिखा देगा इतनी जगह यहाँ पर है, कि यहाँ पर भी एंड लिखा है, यहाँ पर भी एंड लिखा है, यहाँ पर भी, और लास्ट लाइन में भी एंड लिखा है। तो कोई भी वर्ड हमें ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं, फाइंड बॉक्स खोलते हैं, यानी कंट्रोल प्लस एफ से ही खुल जाता है ये गाइस। उसमें काम आएंगे, सपोज़ आपके पास माउस ख़राब हो गया, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, और ये स्पीड भी इससे आएगी। फिर है गाइस कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी यानी गो टू खोलने के लिए। गो टू का मतलब ये है कि सपोज़ आपने क्या है, आप तीन पेज पर काम कर रहे हैं, ये पेज आपने पूरा भर दिया, फिर अगले पेज पर चले गए, फिर एक पेज और आ गया, मतलब आपने इसमें भी लिख रखा है, इसमें भी लिख रखा है, इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी लिख रखा है। अब देखिए गो टू, आप गो कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स खुल कर आ जाएगा। अब देखिए उसमें क्या है, आप वन डालें, टू डालें, थ्री डालें, आप जोन से भी पेज का नंबर डालेंगे, सपोज आपने इसमें डाला टू, गो टू में जाकर आपने टू डाला, कंट्रोल प्लस जी में डाकर इसमें टू डाला, तो ये वाला खुल कर आएगा ओनली। सपोज़ आपने थ्री डाला इसमें जाकर, तो कौन सा आएगा खुल कर, ये वाला तीसरा खुल कर आएगा, और सपोज़ आपने वन डाला तो आपका ये खुल कर आएगा पेज, ऐसा करके डायरेक्टली एकदम से पेज खोलने के लिए, मतलब ये स्पीड के लिए है सारी चीज़ें। फिर आगे देखिए कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करने के लिए, मतलब किसी वर्ड को किससे रिप्लेस करने के लिए ये यूज़ होता है। आगे देखिए कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब देखिए जैसे सपोज हमारा सीधा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आकाश, अब थोड़ा से इसे इटैलिक करने के लिए, यानी ऐसे तिरछा करने के लिए, तो ये हमारा इटैलिक हो जाता है थोड़ा सा गाइस, मतलब इसे तिरछा हो जाते हैं, जो लेटर लिखे हुए हैं ये तिरछा हो जाते हैं, इसे बोलते हैं गाइस इटैलिक, यानी कंट्रोल प्लस आई से क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे देखिए, आगे कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे का मतलब क्या होता है, लाइन अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए। तो जस्टिफाई करने का मतलब गाइस क्या होता है, जैसे देखिए आपका जो है ये विंडो है, अब देखिए सपोज आपने ये ऐसे करके लिख रखा है, यहाँ पे ये आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ऐसे करके, ये आगे चला गया थोड़ा सा, एक यहाँ तक रह गया और एक ये लाइन यहाँ से रह गई, मतलब यहाँ पर तो आपका जो है बिल्कुल बराबर चल रहा है, बिल्कुल यहाँ से लग के बिल्कुल यहाँ से चल रहा है आपका, शुरू में तो बिल्कुल एक सार चल रहा है जो हमें चलाना है, बिल्कुल एक लाइन में ये यहाँ से एक लाइन आ रही है, बिल्कुल यहाँ से चल रहा है मैटर, और यहाँ पर पीछे जाकर कभी तो यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, कभी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, कभी यहाँ पर या कभी यहाँ पर। तो देखिए अगर हम इसे जस्टिफाई को हम यूज़ करते हैं, तो जस्टिफाई में देखिए क्या होगा, जस्टिफाई ये थोड़ा बैक हो गया था, देखिए गाइस देखिए होगा क्या, ये जो मैंने आपको अभी बताया था कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, जस्टिफाई का ऑप्शन जो होता है कंट्रोल प्लस जे में जो होता है, सपोज़ हमारी ये विंडो है, ये मतलब कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर में खुला हुआ है पेज एक हमारा, और देखिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये हमने लिख रखा है, अब देखिए यहाँ से तो बिल्कुल एक साथ चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी तो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई, एक आगे चली गई, एक यहाँ ख़त्म हो गई, एक यहाँ ख़त्म हो गई। अब इसे जो है जैसे यहाँ पर एक सार है, और बिल्कुल इसे इस तरीके से करने के लिए गाइस, जैसे देखिए यहाँ पर एक सार है ना बिल्कुल, तो इस इधर की साइड भी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे लाइन आ जाएगी, तो इसे ही बोलते हैं गाइस जस्टिफाई, यानी यहाँ भी बिल्कुल एक सार ऐसे करके ही हो जाता है, तो इसे बोलते हैं गाइस जस्टिफाई करना, यानी कंट्रोल प्लस जे। आगे चलते हैं, फिर अगर कंट्रोल प्लस के,
कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। लिंक का मतलब आपको पता है, सपोज गाइस देखिए हम कुछ भी विंडो पर देखिए हम काम कर रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं कुछ भी, लेकिन सपोज हमें यहाँ पर लिंक करना है, अपना लिंक भेजना है वीडियो का, तो हम यहाँ पर हाइपरलिंक का ये ऑप्शन हम अपना मतलब कंट्रोल प्लस के से हम अपना लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बना तो रहे थे रिज्यूमे, हमारा बन तो रहा था यहाँ पर रिज्यूमे, लेकिन सपोज जैसे हमारा चैनल है, जैसे हमारे चैनल का नाम है न्यू हॉवर्ड क्लासेस, तो हम यहाँ पर अपना जो हमारा लिंक जो है कॉपीड है, हम यहाँ पर देखिए यहाँ लिखते लिखते हम यहाँ पर अपना लिंक भी डाल सकते हैं ब्लू कलर में, वो अलग से आ जाएगा। तो ये जो है आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा हाइपर लिंक से कि लिंक डालने के लिए काम आएगा। ठीक है गाइस, आगे देखिए कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लाइन अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए। यानी देखिए गाइस क्या है, देखिए राइट में तो देखिए यहाँ से चलती है एक सार, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है जैसे, तो लेकिन फिर जो है लेफ्ट करने के लिए लाइन अलाइनमेंट मतलब यहाँ से भी एक सार चलेगा इधर की साइड से, ये एक सार हो जाएगा बस, मतलब सेम बिल्कुल सेम लाइन में ये आ जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखिए आगे क्या है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। अब देखिए पैराग्राफ इंडेंट का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये है, ये हमारी विंडो है, ये हमारा पेज है, हमने देखे यहाँ पर ये लिख दिया ऐसे करके, हमने ये सब लिख दिया, और हमें सपोज तीसरी लाइन से पैराग्राफ बनाना था, तो अब क्या काम होगा, जो ये लाइन है ये इधर को खिसकती चली जाएगी जितना भी हम ये अपना कंट्रोल प्लस एम अपना दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एम दबाया तो यहाँ तक लाइन खिसक गई, मतलब यहाँ खाली हो जाएगा आगे, कंट्रोल प्लस एम दोबारा दबाया यहाँ तक चल जाएगी, यहाँ तक चल जाएगी, मतलब पैराग्राफ बन जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। एन का मतलब क्या है, न्यू, आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा न्यू, यानी न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कोई भी हम पेज पर काम कर रहे हैं तो नया जो पेज है पेज लाने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक, फिर है ओ। ओ का मतलब होता है देखिए ओपन करने के लिए, ओपन विंडो खोलने के लिए। ओपन विंडो देखिए आपके सामने एकदम से जैसे आप काम कर रहे हैं इधर की साइड खुल के आ जाएगा, और यहाँ फाइंड करने का होता है, कोई भी यहाँ पर फाइल पड़ी है कोई भी, आप डायरेक्ट काम करते करते यहाँ से सर्च करके उसे खोल सकते हैं, कोई सी भी फाइल हो, सपोज आपके रिज्यूमे की हो, आपकी कंपनी की हो, आपके कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है गाइस, हम ओ पर आ गए थे, फिर है पी, कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। यानी देखिए अगर हम प्रिंट देना चाहते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स तुरंत खुल कर आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम ये करते हैं ना कंट्रोल प्लस पी, इससे पी से आपको वैसे पता लग रहा है प्रिंट पी से ही होता है, तो देखिए यहाँ पर ये खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हो जाएगा आपको वन प्रिंट लेना है, टू प्रिंट लेना, थ्री प्रिंट लेना है, और सीधा यहाँ पर क्या है प्रिंट का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देता हूँ प्रिंट निकल जाता है, ये प्रिंट निकालने के लिए होता है कंट्रोल प्लस पी। फिर कंट्रोल प्लस आर, लाइन अलाइनमेंट राइट करने के लिए। देखिए सपोज जैसा हमारी विंडो है और हमने ऐसा करके लिख दिया, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर है, तो इसे क्या है बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से चलेगी, फिर जो लाइनें चलेंगी बिल्कुल यहाँ से एक साथ चलेंगी, आगे पीछे नहीं होंगी, तो ये जो है ये राइट करने के लिए होता है। फिर एक कंट्रोल प्लस एस, ये सिंपल है फाइल को सेव करने के लिए, जो भी आपने लिख दिया उसे सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस टी, लाइन या टेक्स्ट में हेडिंग देने के लिए। देखिए जैसे गाइस आपने लिख रखा है, आपने लिखा डेवलपमेंट, ये लिख दिया, तो इसके नीचे लाइन देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस टी, लाइन या टेक्स्ट में हेडिंग देने के लिए, हेडिंग इंडेक्ट करने के लिए। सॉरी गाइस ये क्या है, लाइन वगैरह देने के लिए होता है वो नीचे वाले अंडरलाइन के लिए नहीं। फिर आगे वाला जो है कंट्रोल प्लस यू जो है टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए, तो ये होता है गाइस जो मैंने भी बताया, सॉरी उसके लिए जो पहले बोला डेवलप है यहाँ पर, तो इसके नीचे अंडरलाइन देने के लिए तो कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करेंगे हम। फिर है कंट्रोल प्लस वी, टेस्ट वर्ड लाइन आदि को पेस्ट करने के लिए। यानी जैसे हमने देखे कंट्रोल प्लस ए से हमने जो है सेलेक्ट किया था, अब उसे हम पेस्ट अगर हमें करना है तो हम कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करेंगे, जो हमारा कंट्रोल प्लस वी जो है। ठीक है, फिर है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी सेलेक्ट टेस्ट को कट करने के लिए। अगर हमने कंट्रोल प्लस एक्स दबा दिया, देखिए सेलेक्ट किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से करते हैं, लेकिन वाई से क्या है, सॉरी ये एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स से सीधा वो कट हो जाएगा, सेलेक्ट करते कट हो जाता है। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम किए गए एक्शन पर, यानी जो बैक जो है, जैसे हमने कुछ भी लिखा था, जैसे लिखा हमने एक्ट
वॉज डन, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस वाई का यानी लास्ट टाइम किए गए एक्शन को हटाने के लिए, जो बैक जो पीछे वाला एक्शन जो होगा जो हम यहाँ लिखेंगे इससे बैक वाला वो हट जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस जेड लास्ट में, कंट्रोल प्लस जेड आप देख सकते हैं लास्ट में जो है, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब गाइस क्या होता है, यानी अंडो करना। आपने ऑप्शन देखा होगा, एक अंडो का ऑप्शन होता है यानी बैक वाले ऑप्शन पर जो बैक वाला जो भी काम है उस पर चला जाता है, इसे बोलते हैं कंट्रोल प्लस जेड। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। उसके बाद जो है देखें, मैं एफ भी बताऊँगा 1 2 3 4 किस तरीके से शॉर्ट में यूज़ होते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर देखें आपको ये पसंद आई है और अगर आप न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अदरवाइज कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। अगर आप देखिए और ये देखते हैं वीडियोस वगैरह देख रहे हैं पहले से ही, तो आपको लाइक एंड कमेंट जरूर करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।